आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 बैंगलोर जोन का रिवाइज रिजल्ट फिर से जारी हो चुका है। जो सुबह रिजल्ट इन्होंने डाला हुआ था वो कैंसिल करके दोबारा फिर से जारी किया है। इसमें बस कुछ हुआ क्या है, इसमें जो कट ऑफ है वो बिल्कुल सेम रही है, बस कुछ कैंडिडेट जो हैं उससे कम कर दिए गए। मतलब पहले ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई थे, अब कुछ कैंडिडेट के इन्होंने बाहर कर दिया है। तो देख लेते हैं कितनी कट ऑफ पहले थी। तो भैया 71.33 यूआर की थी, एससी की आप देख सकते हैं 55.33 है, एसटी की 51 है, ओबीसी की 63 है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ से आप देख सकते हैं कि 62 कट ऑफ गई है। ठीक है, अब देखते हैं कुल कितने कैंडिडेट क्वालिफाई है, पहले कितनी कट ऑफ गई थी। तो आप देख सकते हैं कि पहले जितनी कट ऑफ थी सेम उतनी अभी भी कट ऑफ है, मतलब कोई भी कट ऑफ में चेंजमेंट नहीं है। बस हुआ क्या है, एक्चुअली आप देख सकते हैं 71.33 55.33 एसटी की 51, ओबीसी की 63 और ईडब्ल्यूएस की 62 सेम कट ऑफ है। बस कुछ कैंडिडेट यहाँ से जो है बाहर कर दिए गए हैं। तो देख, तो यदि कैंडिडेट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं पहले जो टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7321 कैंडिडेट, मतलब 7321 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे। जो डेट की रिजल्ट की डेट है वो 6 जून 2022 यहाँ दिखाई दे रही है। जो अभी रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ है उसकी कट ऑफ देख लेते, सॉरी उसमें कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाए। भैया अभी देख सकते हैं आप यहाँ पर रिजल्ट की डेट पूरी बदल गई है। पिछले वाले रिजल्ट में जो लिस्ट पड़ी थी उसकी डेट थी 6 जून 2022 की, और अभी ये जो लिस्ट आई है इसमें आप देख सकते हैं 7 जून 2022 है। इसमें जो कैंडिडेट है ओवरऑल 7,993, उसमें आपने देखा था 7,323 के आसपास थे। मतलब ओवरऑल क्या लगभग 30 कैंडिडेट इन्होंने कैंसिल कर दिए, 30 कैंडिडेट का रिजल्ट कैंसिल कर दिया। तो रिवाइज रिजल्ट बिल्कुल सेम टू सेम, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपका सिलेक्शन सुबह हुआ था, मतलब सुबह वाली लिस्ट में, तो आप अपना रिजल्ट चेक जरूर कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर योर टाइम।